शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 29। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 29। पलिश्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इसराइली इज़राइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकिश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब पलिश्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहां क्या काम है? आकिश ने पलिश्ती सरदारों से कहा, क्या वह इस्राएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है? और जब से वह भागाया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब पलिश्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा, कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी से फिर किस रीति से मेल करे। क्या लोगों के सिर कटवाकर न करेगा? क्या यह वही दाऊद नहीं जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे कि शाऊल ने हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा है? तब आकिश ने दाऊद को बुलवाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा नाम मेरे संग आना जाना भी तुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझमें कोई बुराई नहीं पाई, तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते। इसलिए अब तू कुशल से लौट जा, ऐसा न हो कि पलिश्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने आकिश से कहा, मैंने क्या किया है? और जब से मैं तेरे पास आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने न पाऊं? आकिश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हां यह मुझे मालूम है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तब भी पलिश्ती हाकिमों ने कहा है कि वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा, इसलिए अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं बिहान को तड़के उठना। और तुम बिहान को तड़के उठकर उज्याला होते ही चले जाना। इसलिए बिहान को दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर पलिश्तियों के देश को लौट गया और पलिश्ती इज़राइल को चढ़ गए।